मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बीच में है नहीं है मुन्ना जी, बीच में पर्दा से नहीं आएगा मूर्ति का फोटो। मूर्ति का फोटो आ रहा है जब सर आगे सर पीछे आप खाली आगे सर आप सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम पटना के AN कॉलेज में खड़े हैं जहां पर सत्येंद्र बाबू की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। हमने यहां के प्रधानाचार्य और जो भी मुख्य अतिथि थे उनसे जानने की कोशिश की कि इतने महान विद्वान व्यक्ति की प्रतिमा की स्थापना में इतना विलम्ब क्यों लगा और रिनोवेशन वर्क जो है उसमें इतना विलंब क्यों लगा। महानता और विद्वता के प्रतीक इनके मूर्ति की स्थापना में इतना विलंब क्यों? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पिछले मैं 6 साल पहले आया तो मेरे एजेंडा में था जिस कॉलेज को पूज्य सत्येंद्र बाबू ने बनाया उनकी प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए, और हम लोगों ने काम किया और आपको देख के लगता होगा कि साक्षात सत्येंद्र बाबू यहाँ खड़े हैं। विलम्ब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पहले के बारे में कहना मेरा उचित नहीं होगा। सर ई लर्निंग सेंटर की विशेषता से? ई लर्निंग सेंटर में भाई लाइब्रेरी के बच्चे पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे भी जिसको कंप्यूटर की सुविधा नहीं है वो आए और कुछ सीखे। ई लर्निंग में कॉलेज के बाहर के लोगों को भी अनुमति रहेगी पढ़ने की। कॉलेज की ख्याति बढ़ती जा रही है, राष्ट्रीय स्तर की कॉलेज बन चुकी है और आगे बढ़ रही है। छात्रों को क्या संदेश है, कैसे उनके सहयोग की अपेक्षा आप करते हैं? देखिए यहाँ मूलतः गरीब बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे हमारे बड़ा संस्कारी हैं। देखिए जितना डिसिप्लिन वे में बच्चों ने यहाँ रखा वो पूरे देश में बहुत ही कम जगह ऐसा देखने को मिलता है, खास करके हमारे राज्य में तो नहीं मिलता है। इसलिए बच्चे हमारे संस्कारी हैं। कोविड काल में भी बच्चों ने मन लगा के पढ़ा, रिजल्ट सामने है कि AN कॉलेज आगे आगे गया, पीछे पीछे पूरा बिहार गया। AN कॉलेज में इतनी विलंब से प्रतिमा का जो है अपना क्यों उन्होंने बनाया मूर्ति का आकलन टाइम माना गया कि उसने टाइम दिया आज फंक्शन हो गया। ये था।